हेलो स्टूडेंट, आइए समझ लेते हैं इंग्लिश ग्रामर में टॉपिक दीज दोस्त क्या होता है। दीज दोस्त का मीनिंग क्या, इसके यूज है क्या, इसके एग्जांपल है समझ लेना। ये दीज का हिंदी में मीनिंग होता है ये, यूज फॉर प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट का मतलब है जब एक से ज्यादा वस्तुएं होंगी तब हम इसका यूज करेंगे, और तब करेंगे जब वस्तु हमारे पास में रखी होगी, यानी वस्तुओं की हमसे दूरी कम होगी तब हम यूज करेंगे दीज का। फिर समझ लेते हैं दोस्त का यूज कब करेंगे। दोस्त का हिंदी में मीनिंग होता है वो, यूज फॉर प्लूरल सब्जेक्ट यानी बहुवचन के लिए प्रयोग करेंगे। जब हमारे पास एक से ज्यादा वस्तुएं होंगी तब हम इसका यूज करेंगे, लेकिन कब करेंगे जब वस्तुएं दूर रखी होंगी तब हम दोस्त का यूज करेंगे, यानी जब वस्तुएं हमसे दूर रखी होंगी तब हम दोस्त का यूज करेंगे, जब वस्तु हमारे पास में रखी होंगी तब हम दीज का यूज करेंगे। आइए समझ लेते हैं इनपे बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स है, उनको पढ़ते हैं। दीज आर पेन्स, ये पेन है। दीज आर चेयर्स, ये कुर्सियां हैं। दीज आर ट्रीज, ये पेड़ है। दीज आर मंकीज, ये बंदर है। These are boys, ये लड़के। देखिए यहाँ सब जगह एक ही बात समझ आ रही है, ये पेन है, ये कुर्सियां, ये बड़े, मतलब एक से ज्यादा है और हमारे पास में है, इसलिए हम इन सब के लिए दीज का यूज करते हैं। ऐसे एग्जांपल समझ लेते हैं दोस्त के बेस पर, ठीक है। दोस्त समझ लेते हैं दोस्त का यूज, दोस्त और प्लूरल सब्जेक्ट। यूज हम कब करेंगे दोस्त का, जब प्लूरल सब्जेक्ट होंगे, यानी एक से ज्यादा वस्तु होंगी, बहुवचन की है, लेकिन तब यूज करेंगे जब वस्तु हमसे दूर रखी हो। हम लोगों ने दीज का यूज तब किया था जब वस्तुएं एक से ज्यादा थी लेकिन वो हमारे पास में थी, लेकिन हम दोस्त का यूज तब करेंगे जब वस्तुएं एक से ज्यादा होंगी, ठीक है, बहुवचन होगी लेकिन वो हमसे दूर रखी होंगी, डिस्टेंस पर होंगी। तो इन पे बेस कुछ एग्जांपल है समझ लेते हैं। दोस आर पेंसिल, वो पेंसिल है। दोस आर प्लांट्स, वो पौधे हैं। दोस आर गर्ल्स, वो लड़कियां हैं। दोस आर कैट, वो बिल्लियां हैं। दोस आर रैबिट्स, वो खरगोश है। यहाँ देखिए सब जगह एक ही बात समझ आ रही है, वस्तुएं तो एक से ज्यादा है लेकिन वो हमसे दूर रखी है, इसलिए हम इसका यूज दो में, वो दोस करते हैं, ठीक है। और जब वस्तुएं हमारे पास में थी तो हमने दीज का यूज करा था, ठीक है। और आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, ओके, थैंक यू।